हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के लिए 5 स्टार होटल जॉब वैकेंसी लेकर आ चुके हैं। और यहाँ पे 5 स्टार होटल, यहाँ पे दो दो 5 स्टार होटल में यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है और सारे डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर होटल मैनेजमेंट एंड होटल जॉब वैकेंसी रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे दो होटल में वैकेंसी निकला हुआ है। पहला जो होटल है हयात रेसिडेंसी है, दूसरा जो है सर रेडिसन ब्लू होटल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हयात रेसिडेंसी देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। इसका जो है सो लोकेशन जो है सो देहरादून उत्तराखंड है, और होटल का जो नाम है हयात रेसिडेंसी है। और ये जो होटल है 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है हयात जो है सो। आप पिक्चर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात रही तो सैलरी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। वो आपको HR ही बताएंगे कि आपकी सैलरी कितनी होगी। उसके बाद रूम जो है सो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, रूम आपको नहीं दिया जाएगा। फूड आपको मिलेंगे, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। उसके बाद आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, जो होगी आपको मंथली का जो ऑफ होता है वो 6 ऑफ होता है हयात में, और ड्यूटी टाइमिंग 9 आवर की रहेगी। वैकेंसी यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। आप लोग को जो जो फैकल्टी मिलने वाली है वो ये सब है, और बाकी का जो सैलरी का जो बात रहा वो आपको HR बताएंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आप सेलेक्ट होंगे, तो वो आपको HR बताएंगे कि आपकी सैलरी कितनी होगी। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है ये भी हम आप लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हयात रेसिडेंसी देहरादून, तो इसका लोकेशन जो है सो देहरादून उत्तराखंड इसका लोकेशन है। और यहाँ पे जो पहला जो वैकेंसी निकला हुआ है, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी निकला हुआ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में निकला हुआ है। दूसरा जो वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर फ्रंट ऑफिस, यहाँ पे असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद तीसरा जो है सो सेल्स मैनेजर का वैकेंसी निकला हुआ है, सेल्स मैनेजर जो कि कोलकाता बेस पे यहाँ पे आप लोगों को लिया जाएगा। उसका चौथा जो वैकेंसी है इवेंट सेल्स मैनेजर, इवेंट सेल्स मैनेजर का यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। पाँचवा जो वैकेंसी निकला हुआ है यहाँ पे एफएमबी सर्विस एसोसिएट, एफएमबी सर्विस में एसोसिएट का यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे एफएमबी में रूम सर्विस ऑर्डर टेकर IRD में निकला हुआ है, रूम सर्विस ऑर्डर टेकर का वैकेंसी। सातवा जो है सो होस्टेस का, जिसे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सातवा जो वैकेंसी है होस्टेस का। तो यहाँ पे ये जितने भी थे आप लोगों को यहाँ पे 4 वैकेंसी जो है सो निकले हुए हैं FMB सर्विस में। उसके बाद यहाँ पे हाउसकीपिंग में निकला हुआ है हाउसकीपिंग अटेंडेंट का वैकेंसी निकला हुआ है। नौवा जो वैकेंसी निकला हुआ है हाउसकीपिंग टीम लीडर का वैकेंसी निकला हुआ है हाउसकीपिंग में। उसके बाद दसवा जो वैकेंसी है टीम लीडर स्टवर्डिंग में निकला हुआ है, स्टवर्डिंग टीम लीडर का। उसके बाद 11वां जो वैकेंसी है यहाँ पे सेफ़ का वैकेंसी निकला हुआ है किचन डिपार्टमेंट में, पेस्ट्री में सुसेफ का वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 12 जो वैकेंसी है CDC सेफ दी क्विजीन एशियन मतलब चाइनीज़ में निकला हुआ है CDC का वैकेंसी। उसके बाद सेफ दी पार्टी CDP का वैकेंसी निकला हुआ है एशियन में ही। उसके बाद 14 जो है सो चौथा जो लास्ट वैकेंसी है वो है कौमी सेफ का निकला हुआ है एशियन क्विजीन में, कौमी सेफ का एशियन क्विजीन में। हयात का पहले ही हम आप लोगों को बता दें कि हयात जो है सो कौमी 1, 2, 3 नहीं लेता है, वो डायरेक्ट कौमी लेता है आपको। वो आप कौमी 1 हो, कौमी 2 हो, कौमी 3 हो, वो आपको कौमी में ही डालता है। तो कौमी सेफ का वैकेंसी निकला हुआ है एशियन क्विजीन में। तो इस होटल में इतना ही वैकेंसी निकला हुआ है। होटल का जो नाम है हयात रेसिडेंसी है, और इसका लोकेशन जो है सो देहरादून उत्तराखंड है। तो इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे ईमेल आईडी शो कर रहे हैं, HR का ईमेल आईडी है। तो आप लोग जाइए और इस पे अप्लाई कर दीजिए, और मेंशन कीजिए आप लोग सब्जेक्ट में ईमेल आईडी से जब अप्लाई कीजिएगा तो कौन से आप डिपार्टमेंट में और कौन से पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये आप लोग मेंशन कीजिएगा। तो आगे चलते हैं, दूसरा जो होटल है यहाँ पे रेडिसन ब्लू होटल है। इसका लोकेशन जो है सो मुंबई, तो यहाँ पे रेडिसन ब्लू मुंबई में यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। सैलरी भी जो है सो आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, वो आपको HR ही बताएंगे कि आपकी सैलरी कितना होगा। आपको रूम नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, फूड आपको मिलेंगे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यूनिफॉर्म मिलेंगे, ऑफ जो होगा सो 4 ऑफ होगा, मंथली ऑफ जो होगा 4 होगा, ड्यूटी टाइमिंग 9 आवर का होगा। तो इतना फैकेलिटी आपको मिलने वाली है। और इसमें वैकेंसी जो निकला हुआ है रेडिसन मुंबई में, यहाँ पे निकला हुआ है वैकेंसी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का,
एचआर मैनेजर के यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। दूसरा जो वैकेंसी है ड्यूटी मैनेजर का यहाँ पे निकला हुआ है। तीसरा जो वैकेंसी निकला हुआ है फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का निकला हुआ है। यहाँ पे चौथा जो वैकेंसी निकला हुआ है कौमी थ्री बेकरी और पेस्ट्री में, बेकरी में कौमी थ्री का वैकेंसी निकला हुआ है। जो फ्रेशर है वो अप्लाई कर सकते हैं कौमी थ्री इंडियन क्विजीन, जो इंडियन क्विजीन में जो कि ट्रेनिंग किए हैं या फिर जॉब ट्रेनिंग करके कौमी थ्री का यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो फ्रेशर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं बेकरी में और इंडियन क्विजीन में यहाँ पे कौमी थ्री में। उसके बाद कौमी टू जो हुआ, कौमी टू का वैकेंसी निकला हुआ है चाइनीज़ क्विजीन, चाइनीज़ में यहाँ पे कौमी टू का निकला हुआ है OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग का निकला हुआ है ह्यूमन रिसोर्स में, यहाँ पे HR में OJT का वैकेंसी निकला हुआ है। और ये OJT का जो ड्यूरेशन होगा 6 मंथ का होगा, यहाँ पे 6 महीने का OJT है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन ऑल डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो आप लोग इस होटल में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस होटल में इतना ही वैकेंसी निकला हुआ था, तो इसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे दो दो ईमेल आईडी शो कर रहे हैं और दोनों जो यहाँ पे ईमेल आईडी है वो HR का ईमेल आईडी है। तो जाइए और अप्लाई कर दीजिए और पिक्चर देख रहे हैं यही होटल है तो जाइए और दोनों में से किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जो है सो HR का यहाँ पे ईमेल आईडी है। और आप लोग सब्जेक्ट में बराबर मेंशन कीजिएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एजुकेशन जो है सो 12th पास पे भी आप लोग का रखा जा सकता है, जैसे कितना आदमी होते हैं 12th पास करने के बाद होटल लाइन में चल जाते हैं जॉब ट्रेनिंग करते हैं या फिर IT करते हैं और वो लोग जो है सो छोटे पोस्ट पे जैसे कौमी थ्री किचन में हो गया, एसोसिएट हो गया, FMB सर्विस में, ये सब का अप्लाई आप कर सकते हैं। और बाकी का जो थोड़ा ज़्यादा पोस्ट का जो वैकेंसी है वो उसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट डिग्री या फिर डिप्लोमा से आप लोग को किए रहना चाहिए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।